सात दिन की ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी में मची हलचल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सात दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करने के लिए आवेदन किया। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मानी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। वहीं केजरीवाल की तरफ से तीन वकीलों के पेश होने पर ईडी की ओर से विरोध जताया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि इस मामले में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट हो गए हैं। इसके बावजूद ईडी ने शानदार जांच की है। ईडी की ओर से कहा गया है कि अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को परखा और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, इसलिए केजरीवाल की रिमांड जरूरी है। ईडी ने कहा कि आरोपी ये तय नहीं करेगा कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, ये पूरी तरीके से जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि कब उसे गिरफ्तारी की जरूरत है। वहीं एएसजी ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। आपके लिए गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया। कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके किसी आरोपी के बयान में कितनी सत्यता है, इस पर बहस सिर्फ ट्रायल के वक्त ही हो सकती है। रिमांड के दौरान इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल के वकीलों ने सरकारी गवाहों पर भी सवाल उठाए। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।